सब्जेक्टिव शीट नंबर 18 में क्वेश्चन है सेल ऑफ ईएमएफ। तो एक सेल है जिसकी ई की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट है एंड इंटरनल 1 ओम है, कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ 10 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, 4 वोल्ट की कमजोर बैटरी 10 वोल्ट के चार्जर के साथ क्या हो रही है, चार्ज होने वाली है थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम। टर्मिनल वोल्टेज बताओ ड्यूरिंग चार्जिंग, तो लिखा हुआ उसने चार्जिंग हो रही है। तो आपका डायग्राम क्या बनेगा, आप नीचे एक बैटरी लगाओ 4 वोल्ट की प्लस एंड माइनस के साथ, आप इसके साथ एक और बैटरी लगाओ कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की प्लस एंड माइनस, प्लस को प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ, यही रूल है इसमें राइट। 4 वोल्ट की बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है कितनी, 1 ओम है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रास्ते में कितने गिवन है, 5 ओम है। क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा। तो तुम एक काम करो, सबसे पहले किरचॉफ लॉ लगा के करंट निकाल दो इसमें क्या होगा। तो किरचॉफ लॉ लगाएं और करंट निकालने, एक मिनट देखें, चलो यहां से चलते हैं, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस 10, फिर करंट नीचे आ रहा है कितना आए, तो माइनस आए इंटू 5, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं माइनस 4, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है अंदर माइनस आए इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, आई निकाल दो कितना आ रहा है। मैंने कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, दो बैटरी से डरता हूं मैं प्लस माइनस में कंफ्यूज हो सकता हूं, तो मैंने चक्कर डाला ही, एक बैटरी होती मैं लगा भी देता, दो बैटरीज में प्रॉब्लम है ना, प्लस करनी है ईएमएफ की माइनस करनी है, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको इसलिए। हालांकि वैसे बता दूं, एक टॉपिक आने वाला नेक्स्ट टाइम बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल, उसमें शॉर्टकट आ जाते हैं, दो बैटरी को कैसे हैंडल करना है शॉर्टकट आ जाएगा, पर अभी आज की डेट में कोई शॉर्टकट नहीं तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो करंट आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें गलती होने का चांस नहीं ना, प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। करंट आ गया कितना आ रहा है, एक आ गया, कितना एक आ गया। तो यार तुमने इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बोलो फॉर्मूला क्या लगेगा, ई प्लस आई आर, ई पता है 4 वोल्ट, आई आ गया 1, स्मॉल आर की वैल्यू पता है आंसर। कोई डाउट इसमें, लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो, पूरा व्हाइट टी शर्ट के साथ सिकंद, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज 1.8 वोल्ट, क्या ये ईएमएफ है, नहीं उसे बोला ही नहीं, तो फिर ये क्या है, ये वी है। जब करंट उसमें 0.5 विड्रॉन है, जब करंट निकल रहा है फिर तो ई कभी हो ही नहीं सकता, फिर तो पक्का ही वी है, तो वी की वैल्यू भी है और आई की वैल्यू भी है। फिर सेकेंड केस है पोटेंशियल डिफरेंस फिर से कितना हो गया, 1.6 हो गया, जब करंट चेंज हो गया तो फिर से ये ई तो हो नहीं सकता, इसमें से करंट निकल रहा है ये फिर से वी है, दो केस हैं। आपको बैटरी की ईएमएफ और स्मॉल आर निकालना है, तो मान लो बैटरी की ईएमएफ कैपिटल ई है और इंटरनल स्मॉल आर है, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस आई आर, डिस्चार्जिंग है, तो V आपको फर्स्ट केस में 1.8 गिवन है, I गिवन है, सेकंड केस में V गिवन है, I गिवन है, सॉल्व करके E और R कैन बी कैलकुलेटेड आंसर है। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जब करंट, जब बैटरी में से करंट बाहर, ओपन सर्किट नहीं निकला, जब बैटरी में से करंट बाहर नहीं निकला उसे बोलते हैं ओपन सर्किट, और जब करंट बाहर निकला इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, इसका मतलब ये इसकी ईएमएफ है। ओपन सर्किट में करंट तो बाहर निकला नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्स ही होगा, 6 वोल्ट ईएमएफ है। विच फॉल्स टू 4 वोल्ट, तो ये क्या गिवन है, वी, जब उसमें से करंट बाहर आ गया, तो क्या निकालना है, ईएमएफ और इंटरनल। ईएमएफ तो पता ही है 6 वोल्ट है आंसर, इंटरनल निकालनी है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से इंटरनल आ जाएगी कुछ, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। जैसे ये फिगर में चीजें ज्यादा गिवन है कुछ भी नहीं है, एक लाइन का भी नहीं है,
पहली लाइन तो बिल्कुल बेकार है, अपनी तरफ से वो बता रहा है, पर हमें ऑलरेडी पता है कि एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, हमें ना बताए, हमें पता है। नेक्स्ट लाइन है, जब स्विच एस ओपन है, ये देखो ओपन का मतलब इसमें से करंट बाहर नहीं गया, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग कितनी ली इसकी, 1.53 वोल्ट। इसका मतलब ये क्या गिवन है, ईएमएफ, क्योंकि जब बैटरी में से करंट बाहर निकला ही नहीं, स्विच ही नहीं दबाया, तो वोल्ट मीटर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा, यानी कि ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 1.53। जब आपने स्विच को दबा दिया तो करंट बाहर निकला, तो रीडिंग कितनी आई, रीडिंग आई 1.03। अब ये क्या गिवन है, वी, और आपको करंट भी गिवन है, तो क्या निकालना है इसमें, ईएमएफ कितनी है, ईएमएफ तो गिवन ही है 1.53। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, तो लगा दो, ई पता है, वी पता है, आई पता है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कि लॉजिक क्या है इसमें, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ, तो ये साफ कह रहा है कि ईएमएफ 6 वोल्ट है, इंटरनल कितनी है, स्मॉल आर है, और पोटेंशियल कितना हो गया 5.8, तो ये वी है। तो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल आर। तो तुम्हें स्मॉल आर, कैपिटल आर, ई और वी का फॉर्मूला मैंने करवा रखा है, तुम्हें स्मॉल आर गिवन है, कैपिटल आर निकालना है, ई पता है, वी पता है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी इज गिवन व्हेन बीइंग चार्ज। तो बोलो इसमें ईएमएफ कौन है, 6 वोल्ट है, चार्जिंग के बाद वैल्यू ईएमएफ से भी ज्यादा आ गई, वी आ गया। तो क्या निकालना है, करंट पता है, इंटरनल, तो फॉर्मूला चार्जिंग में क्या लेगा, ई प्लस आई आर, तो इसके अंदर वी बड़ा है, ई छोटा है, आई पता है, आर आंसर। तो समझ में आ रहा है चार्जिंग में कैसे फॉर्मूले लगते हैं, कोई डाउट इसमें। बैटरी जिसकी ईएमएफ गिवन है, तो ई पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पता है, कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर पता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस इन 1 सेकेंड। भाई अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्यू इज इक्वल टू एन ही लगेगा, तो तुम्हें चार्ज निकालना पड़ेगा, चार्ज के लिए पहले तुम्हें करंट निकालना पड़ेगा। तो अगर एक सर्किट ऐसा गिवन है जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर गिवन हो, तो करंट क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर, तो आपको ई पता है, आर और आर पता है, करंट आ गया, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, चार्ज आ गया। चार्ज क्या होता है, एन ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, एन की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। तो मेथड समझ में आ रहा है, करंट से चार्ज आ गया, चार्ज से एन आ गया। जैसे ईएमएफ ऑफ अ बैटरी 6 वोल्ट है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 है, वायर की रेजिस्टेंस 2.4 है, कह रहे करंट निकाल दो कितना है, ये तो आसान है, करंट क्या होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, करंट आ गया, करंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ अ डिस्चार्जिंग, तो वी का फॉर्मूला क्या लगेगा, ई माइनस आई आर, ई पता है, आई पता है, स्मॉल आर, आंसर। तो समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक लग रहा है, आएगा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आएंगे आपके पेपर में ये, और लग भी रहे एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है सारे। टू पोल्स ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ 10 ओम कॉइल, तो ये 10 ओम के साथ कनेक्टेड है, करंट इन द सर्किट 0.1 एम्पियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो, आसान है, करंट पता है, ई पता है, कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर निकालना है, तो करंट होता है क्या, ई अपॉन आर प्लस आर, करंट पता है, ई पता है, कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज 8.5 वोल्ट, जब करंट 3 एम्पियर है फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव में से करंट बाहर आ रहा है, तो दिस इज अ केस ऑफ डिस
चार्जिंग, करेक्शन है, डिस्चार्जिंग, करंट बाहर आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर करंट 2 एम्पियर है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे, तो पॉजिटिव टर्मिनल में जब करंट एंटर करेगा तो इट्स अ केस ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो पहले केस में आपको ईएमएफ निकालनी है और आर निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। पहले केस में आपको वी पता है, तो क्योंकि केस ऑफ डिस्चार्जिंग है तो वी पता है, ईएमएफ निकालनी है, आर निकालना है, करंट पता है। दूसरे केस में चार्जिंग में वी पता है, ई निकालना है, आर निकालना है, करंट पता है, सॉल्व करके ई एंड आर कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक?